वैसे तो पाव की बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं। जब आपके पास कुछ भी ना हो और सिर्फ पाव और बाकी की सब्जियां हो, तो ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसे बाहर मिलता है, उसी तरह हम ये मसाला पाव घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप्स से। यहाँ मैंने चीज़ मसाला पाव बनाया है, आप यूं ही सिर्फ मसाला पाव भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका चौरसिया, हैप्पी कुक बेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच अमूल बटर डालेंगे। इससे अच्छा टेस्ट आता है मसाला पाव को। बटर जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा जब पक जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। हींग से अच्छा टेस्ट भी आता है और पचने में भी आसानी होगी। अब इसमें हम 2 प्याज डालेंगे जो मध्यम आकार के थे, उसे बारीक काट लिया है, और प्याज को सुनहरा होने तक हम पका लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। आपके पास पेस्ट ना हो तो आप बारीक कट करके डाल सकते हैं अदरक और लहसुन को। 1 चम्मच लिया है, उसे भी हम पका लेंगे। और जब प्याज पक जाए तब हम इसमें 4 टमाटर डालेंगे जो कि मध्यम आकार के थे, उसे भी बारीक काट लिया है। 2 मिनट पकने देंगे और फिर हम इसमें 1 बड़ी शिमला मिर्च काट के डाल देंगे, इसे भी बारीक काट लिया है। याद रहे, इसमें सब्जियों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा क्रंची होना चाहिए, टमाटर पूरी तरह गल जाना चाहिए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक से सब्जी जल्दी पक जाएगी और सभी मसालों का फ्लेवर सभी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम रखें, इसे 3 से 4 मिनट हमें इसी तरह पका लेना है। 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें 4 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप 2 चम्मच गरम मसाला या कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पाव भाजी मसाला या सब्जी मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मसाला पाव बहुत ही टेस्टी बनता है। मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे कि इसका अच्छा कलर आए। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें। मिक्स कर दिया है इसे। आप देख सकते हैं इसका तेल छूटना चालू हो गया है। तब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे जिसे बारीक काट लिया है, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसे और 2 मिनट हम पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम 2 पाव में बटर लगा लेते हैं। यहाँ मैंने अमूल बटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घर पे बनाया हुआ वाइट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब्जी को हम 1 कोने लगा देंगे उसी पैन में और पाव के लिए जगह कर लेंगे। इस पाव को हम इस तरह तवे पे रख देंगे और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो, ताकि सब्जी जले ना और पाव भी अच्छे से सिक जाए। पाव को पलट दिया है हमने, एक बाजू से सिक गया है। अब इसके ऊपर हम ये सब्जी स्प्रेड कर देंगे साइड से लेकर। आप चाहें तो इसे बाहर निकाल के फिर पाव में भर के पाव को अलग से सेक सकते हैं, और अगर आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। स्ट्रीट स्टाइल ऐसे ही बनती है, डायरेक्ट उसी तवे पे, जिस तवे पे हम सब्जी बनाते हैं उसी पे
वो लोग पाव सेक देते हैं। अब इसमें मैंने चीज़ डाला है, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप इसमें चीज़ डाल के इसे सेक सकते हैं। चीज़ डालने के बाद आपको धीमी आंच पे पाव को सेक लेना है, जिस तरफ हमने चीज़ डाला है उसे पलट कर, ताकि चीज़ थोड़ी मेल्ट हो जाए और अच्छा लगे खाने में। और ऊपर से आप चाहें तो इसके ऊपर ये सब्ज़ी भी लगा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये और बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए रेडी है बिल्कुल मसाला पाव, चीज़ मसाला पाव। इसके ऊपर आप चाहे तो बटर और स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर प्याज और हरी धनिया के साथ सर्व करें। अगर आपको और चटपटा और तीखा खाना है तो आप मसाले की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और खा सकते हैं। अब इसमें आप एक चम्मच नींबू का रस या फिर एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनेगा। तो तैयार है फेमस स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।